नमस्कार, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं ब्रो ज्ञान टॉक चैनल। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, टेनिस की प्रैक्टिस हो रही है और हम खड़े हैं बनारस में, बनारस के महमूरगंज इलाके में, जो काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों की गार्जियन जब खेल के लिए तत्पर होते हैं और उन्हें आगे भेजते हैं कि नहीं, अब जाओ खेलो कूदो, क्योंकि खेलने से फिटनेस भी होता है, हेल्थ भी आपका सही रहता है। और यहाँ पे आप जो कोच हैं, उन कोचों की भी मेहनत आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ लगे हुए हैं, कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि टेनिस, जो कि काफ़ी महंगा गेम माना जाता है और मेट्रो सिटीज़ में खेलने के लिए काफ़ी चर्चित है, जो छोटे छोटे शहर हैं, बनारस से सटे हुए शहर हैं, वहाँ भी जब आप टेनिस की जब नई नई एकेडमी और नया नया जो माहौल आप देख पा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है कि अब इन शहरों से भी खिलाड़ी निकल रहे हैं और उनके घर के पास ही माहौल मिलता है। हम कुछ कोचों से बात करेंगे कि वो बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कितना डिसिप्लिन रखते हैं और उन्हें कैसा लगता है। सर से बात करेंगे कि इन बच्चों को, ये कितने बच्चे सीख पा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम और आप कब से कोचिंग दे रहे हैं बताइए। सर, मेरा नाम तो विवेक पटेल है, मैं रहने वाला बनारस का हूँ, बिच्चू के पास। और ये हमारे बच्चे खेलने वाले, ये विशेष है, ये लकी है, ये युवराज है और ये ईशा है। बच्चे हमारे बहुत अच्छे खेलते हैं सर, सीख भी बहुत अच्छे, पकड़ बहुत अच्छे रहे हैं सर। और ये लकी है, देखिए बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा सीखा हुआ है, जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेल रहा है बच्चा ये। और ये भी बहुत अच्छा खेल रहा है सर, वो तो 2 साल हो गया उसे खेलते हुए, बट वो अच्छा खेलता है अब। हमारे साथ अब बच्चे जुड़ चुके हैं और इनसे इनका नाम, 21 स्कूल में पढ़ाई करते हैं, टेनिस कब से सीख रहे हैं और कैसा अच्छा इनको सीखना अच्छा लगता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशेष सिद्धांत मिश्रा है, हम मुकला रत्ने में इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। हमको टेनिस सीखना बहुत पसंद है, मैं 5 महीने से सीख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। टेनिस को आगे तक ले जाएंगे? यस सर, हम आगे तक ले जाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईशा वर्मा है, मैं बालिका स्कूल इंटर कॉलेज से पढ़ती हूँ, 6th क्लास से। मैं टेनिस 4 महीने से खेल रही हूँ, बहुत अच्छा खिलाते हैं सर। अभी हम फोर हैंड भी अच्छे से सीख ले रही हूँ, बैक हैंड अब पकड़ना चाहती हूँ, पकड़ लूँगी। मेरे कृष्णा सर हमारे लिए बहुत मेहनत की हैं। हमारे साथ छोटे उस्ताद हैं जो टेनिस सीखते हैं और इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्की। मेरा स्कूल है नंबर 1 और हम फोर हैंड पकड़ लिए हैं, बैक हैंड सर से सीख पकड़ना चाहते हैं। और मेरे लिए कृष्णा सर भगवान से भी बढ़कर हैं। सही बता रहे हैं? नहीं, बोलने दीजिए, बोलने गाना है, बताइए। और सर, मेरे विवेक सर हैं वो सिखाते हैं, और अनूप सर हैं वो बैक हैंड पकड़ाते हैं, और अनूप सर बहुत अच्छे हैं, विवेक सर भी। खेलना कैसा लगता है आपको? सर हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ ये युवराज भी जुड़ेंगे और बताएंगे कि टेनिस कब से सीख रहे हैं और इन्हें कैसा लगता है खेलने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज पाठक है, मैं संभीम अकेडमी सामने घाट में पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं टेनिस 2 साल से सीख रहा हूँ, जब से सीखा हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे खेल चुका हूँ, नेशनल लेवल की तैयारी चल रही है, और अगर इस कोर्ट में रहा तो नेशनल लेवल के लिए भी जा सकता हूँ। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि युवराज जो हैं डिस्ट्रिक्ट भी खेल चुके हैं, स्टेट भी खेल चुके हैं, बनारस में भी खेला हुआ है, यूपी में भी अब खेल चुके हैं। और इनका ये दावा है कि अगर इस कोर्ट में ये सीखते रहे कृष्णा सर के निर्देशन में, अंडर में, तो ये नेशनल भी खेलेंगे। तो आगे और टेनिस केवल मतलब एज ए खेलना है कि एज ए किसको गेम भी लेना है? मुझे गेम में भी लेना है और उम्मीद रहेगी इंडिया को आगे भी रिप्रेजेंट करूँगा। बहुत सही, बहुत उम्दा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, स्कूलों में आप लोग के जो गेम्स होते हैं उसमें क्या स्कूलों में प्रॉपर गेम्स खिलाए जाते हैं? प्रॉपर गेम्स नहीं खिलाए जाते हैं, बस हफ्ते में एक बार होता है, उसमें भी बहुत कम खिलाया जाता है, आधा घंटा 15 मिनट, उसमें भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो खेलने में उतना अच्छे से नहीं आ पाता है। आपके स्कूल में खिलाया जाता है? हाँ, मेरे स्कूल में भी खिलाया जाता है। गेम कौन कौन सा गेम है सर?
कबड्डी गेम होता है, रेस होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं। आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में भी बहुत सारे गेम होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, लेकिन वहाँ पे टेनिस नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि स्कूलों में जो खेलो इंडिया अभियान है भारत सरकार का, वो उसमें ये भी है कि खेलो स्कूलों में भी एक पीरियड होना चाहिए। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं उस तरीके का कोई माहौल नहीं है, बस 15 मिनट, आधा घंटा, वो भी हफ्ते में एक बार, तो इस तरीके से खिलाड़ी हमारे कैसे निकल पाएंगे? तब ज़रूरत पड़ती है कृष्णा सर जैसे और विवेक सर जैसे कोचों की, जो इन बच्चों को तराश के और नेशनल स्तर तक ले जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इन बच्चों का हौसला अगर पसंद आया होगा तो दूसरों को भी बताइएगा। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।